हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूशियल एक सप्लीमेंट है हमारा ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारा बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी हमारा बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारा स्किन नेचुरली खुद से भी विटामिन डी बना सकता है जब भी हम सनलाइट में मतलब धूप में बाहर जाते हैं। बट आजकल के दिन में क्या होता है कि जो सनलाइट है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूवी रेस पाया जाता है जो हमारा स्किन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमको ज्यादातर विटामिन डी डाइट से या फिर सप्लीमेंटेशन से कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आप रेगुलरली जिम जाते हो, हैवी वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो तो आपके लिए विटामिन डी एक बहुत ही क्रूशियल सप्लीमेंट है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो आपका बोन का जो टूटने का चांस या फिर फ्रैक्चर होने का चांस 40% तक इंक्रीज हो जाता है। अगर आप डेली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ले रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो अब हम बात करेंगे फूड सोर्सेस के बारे में जो रिच होता है विटामिन डी में। ठीक है, सबसे पहले आता है एग योक, देन ओटमील, काउज मिल्क, मशरूम, टूना, कॉड लीवर ऑयल, ये सब में विटामिन डी बहुत हाई रहता है। ये तो आपका हो गया फूड सोर्सेस। अभी आता है सप्लीमेंटेशन। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इजीली कोई भी लोकल फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। एक सैंपल मेरे पास भी है, ये देखो, ये है विटामिन डी सप्लीमेंट, इसका नाम है डी राइज 2000। एक्चुअली विटामिन D3 सप्लीमेंट है। ठीक है, इसका जो प्राइस आता है 85 rupees फॉर 10 tablets। ठीक है, डी राइज 2000 IU। तो अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जो हमको विटामिन डी से मिलता है अगर हम डेली हाई डोजेस ऑफ विटामिन डी कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले जो साइड इफेक्ट हमको मिलेगा वो है हाइपर कैल्शियम, मतलब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होता है, किडनी में प्रॉब्लम आता है, बोन पेन होता है। ठीक है, और हमारा जो यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाता है। 4000 IU से ज्यादा पर डे आपको कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, सबसे जो सेफ डोज है वो है 2000 IU पर डे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो विटामिन डी एक बहुत ही हेल्दी एंड सेफ सप्लीमेंट है, बट अगर आप हाई डोजेस कंज्यूम करते हो तो उसका साइड इफेक्ट्स आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो विटामिन डी 3 सप्लीमेंट के बारे में।